सो आप सबके पास WhatsApp का ये स्टेटस आया होगा। सो इसका मतलब है WhatsApp अपने ही स्टेटस फीचर को यूज़ करके इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कंसर्न्स को टैकल करने की कोशिश करेगा। सो WhatsApp अपने स्टेटस फीचर के ज़रिए द फेमस WhatsApp प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करने की कोशिश करेगा और ऐप में जो फ्यूचर चेंजेस होंगी उसके बारे में भी स्टेटस में बताएगा। WhatsApp की इस स्टेटस फीचर को यूज़ करने की वजह WhatsApp की अपडेट थी अबाउट द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ WhatsApp यूज़र्स WhatsApp को छोड़कर सिग्नल और टेलीग्राम पर चले गए और टेलीग्राम ने इसी अरसे के दौरान अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन यूज़र्स गेन किए और सिग्नल ने अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन यूज़र्स गेन किए विद इलोन मस्क आल्सो अबैंडनिंग WhatsApp। सो WhatsApp ने इस यूज़र लॉस्ट को रियलाइज़ किया और इस यूज़र ट्रस्ट को रिपेयर करने के लिए ये फीचर यूज़ करने का फ़ैसला किया है। अभी फ़िलहाल जो चार WhatsApp स्टेटस ने लगाए हैं उनमें सबसे पहले है WhatsApp इज़ नाउ ऑन स्टेटस। नंबर टू, वन थिंग दैट इज़न्ट न्यू इज़ आर कमिटमेंट टू योर प्राइवेसी। नंबर थ्री स्टेटस जो WhatsApp ने लगाया है, WhatsApp कांट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कन्वर्जेशंस एज दे आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड नंबर फोर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। सो WhatsApp विल यूज़ दिस फीचर एवरी नाउ एंड देन एंड टेल इट्स यूजर्स अबाउट द चेंजेस इन द प्राइवेसी पॉलिसी और फ्यूचर चेंजेस जो ऐप में होंगे उसके बारे में भी WhatsApp इस स्टेटस फीचर को यूज़ करके अपने यूजर्स को बताएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी कि WhatsApp और क्या क्या चेंजेस अपनी ऐप में करता है और फ्यूचर पॉलिसीज WhatsApp लाएगा उसमें क्या क्या चेंजेस करता है या फिर पुरानी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको रोल बैक करता है या नहीं। तो इस स्टेटस फीचर के ज़रिए से हमें WhatsApp अब बताएगा और अपने यूज़र्स को दोबारा लाने की कोशिश करेगा और उनके ट्रस्ट को दोबारा गेन करने की कोशिश करेगा। सो वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, इट्स मी शाहजहान बुखारी साइनिंग ऑफ।